मैं अभी और जीना चाहता हूँ। ये कथन किसी और के नहीं बल्कि विश्व के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के हैं, जो उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर कहे थे, जिसे सुनकर दुनिया एक पल के लिए अचंभित हो गई थी। आइए आज हम इसी महान वैज्ञानिक के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। 8 जनवरी 1942 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग दंपत्ति के यहाँ स्टीफन विलियम हॉकिंस का जन्म हुआ। गौरतलब है कि विश्व के एक अन्य महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली और स्टीफन हॉकिंस की जन्म तिथि एक ही है। बचपन से ही हॉकिंस असीम बुद्धिमान थे। उनके वक्तव्य ऐसे थे जो लोगों को चौंका देते थे। हॉकिंस अपने पिता फ्रैंक द्वारा लिए गए एक दत्तक पुत्र थे और साथ ही साथ अपनी 2 बहनों में भी वह बड़े थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और माँ एक हाउसवाइफ। स्टीफन हॉकिंस के दिमाग का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टीन कहकर पुकारते थे। जब हॉकिंस पैदा होने वाले थे तब उनका परिवार लंदन में था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण वो ऑक्सफोर्ड में आके बस गए और 11 साल बाद सेंट एलिबेस में आ गए, जहाँ हॉकिंस की बेसिक एजुकेशन शुरू हुई। बचपन से ही स्टीफन गणित विषय में गहरी रुचि रखते थे, लेकिन उनके पिता उन्हें एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। खैर, उस समय गणित विषय ना होने के कारण उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई भौतिकी विषय से शुरू की और आगे जाके भारतीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर के सलाह के अनुसार अपने मनपसंद विषय गणित को ध्यान में रखते हुए कॉस्मोलॉजी विषय का चयन किया। उन्होंने अपनी PhD के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। जब वह 21 साल के हुए तो एक दिन वह छुट्टी मनाने अपने घर आए हुए थे और वह अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी अचानक उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वह तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सब ने उन्हें मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां ये पता लगा कि वो अनजान और कभी ना ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसका नाम न्यूरॉन मोटार डिसीज है। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाती है, जिससे मरीज की जान घुट घुट कर निकल जाती है। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट के बाद कहा कि हॉकिंस बस 2 साल के मेहमान हैं, इससे ज़्यादा वह नहीं जी सकते, लेकिन हॉकिंस ने अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना रखी थी और उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं 10 नहीं 40 नहीं बल्कि 50 सालों तक जीऊँगा। यह बात सुनकर उनके आसपास सभी लोग भावुक हो गए और उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी। पर आज दुनिया जानती है कि हॉकिंस ने जो कहा वो कर दिखाया। अपनी इसी बीमारी के बीच में ही उन्होंने अपनी PhD पूरी की और अपनी प्रेमिका जेंट वॉइल्ड से विवाह किया। तब तक हॉकिंस का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था और वो स्टिक के सहारे चलते थे। अब हॉकिंस ने अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने लगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनका शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ता जा रहा था और कुछ ही समय बाद उनका बायां हिस्सा भी बंद हो गया। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर अपने विज्ञान की दुनिया में ही ध्यान दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत हुई और उन्हें वो भी दे दी गई थी और उनकी ये चेयर आधुनिक तकनीक से पूरी तरह से लैस थी। लोग यूं ही देखते चले गए और हॉकिंस मौत को चकमा देते गए। उनकी इच्छा शक्ति ने मानो उन्हें मृत्युंजय बना दिया हो। इसी बीच हॉकिंस 3 बच्चों के पिता भी बने। यही कहा जा सकता है कि हॉकिंस सिर्फ शारीरिक रूप से ही अपंग थे, ना कि मानसिक रूप से। उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया और वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए और दुनिया को दिखाते चले गए कि उनकी इच्छा शक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता कम नहीं आकी जा सकती। और फिर उन्होंने ब्लैक होल कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। साथ ही साथ हॉकिंस ने यह भी कहा कि समय यात्रा संभव है, लेकिन यह अभी प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने इसकी थ्योरी दी और कहा कि हाँ, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। उन्होंने हॉकिंस रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया और उनकी लिखी गई किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। सन 1995 में उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्ड ने उन्हें तलाक दे दिया
और हॉकिंस की दूसरी शादी हुई इलियाना मैसेन से, जिन्होंने उन्हें 2006 में तलाक दिया। उनकी पहली पत्नी जेन से तलाक मिलने का कारण था कि वह एक धार्मिक स्त्री थी, जबकि हॉकिंस हमेशा से भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते थे, जिसके कारण दुनिया भर में हॉकिंस की काफ़ी आलोचना भी हुई। लेकिन इन सब से दूर हॉकिंस अपनी खोजों पे आगे बढ़ते गए और दुनिया को बता दिया कि अपंगता तन से होती है, मन से नहीं। हॉकिंस का IQ 160 है, जो कि किसी भी जीनियस से काफ़ी ज़्यादा है। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की थी, जिसमें वो शारीरिक तौर पर फिट पाए गए थे। आज उन्हें भौतिकी क्षेत्र के छोटे बड़े कुल मिलाकर 12 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, लेकिन आज भी वह अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जी रहे हैं। और हमारी यही दुआ है कि वो ऐसे ही जीते रहें और हमें नित नई नई खोजों से अवगत कराते रहें। और आज विज्ञान भी मानता है कि इच्छा शक्ति से हमारा शरीर ऑपरेट होता है। अगर हमारी तीव्र इच्छा शक्ति है और हम किसी चीज़ को गहरे में मान लें, तो हमारा शरीर भी उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। जिसका एक उदाहरण भी है, जो कि हमारे भारत से ही है। आपने विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने विज्ञान जगत को चुनौती दी। वह काली की पूजा करते थे। वह माँ काली में इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने गहरे में इस बात को मान लिया था कि वह स्त्री हैं, और उनका शरीर भी उन्हीं की तीव्र इच्छा के अनुसार काम करने लगा था। वह स्त्री बनने लगे थे, जिसमें आश्चर्य की बात यह है उनके स्त्री की तरह स्तन भी उभर आए थे और साथ ही साथ मासिक धर्म भी शुरू हो गए थे। और विज्ञान इस बायोलॉजिकली चेंज को आज तक नहीं सुलझा सका है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। तो ये था दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी सच में पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि खबर सब तक जाए और सबकी सोच आगे तक बढ़े। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे एक रेड बटन देख रहे होंगे जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, तो प्लीज़ से आप उस पर क्लिक कर देंगे और साथ ही साथ उस बेल वाले बटन पर भी क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं आगे भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।